जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ईरान के राष्ट्रपति को फोन। आतंकी घटनाओं और हिंसा पर जताई चिंता। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी बात हुई। नहीं कहेगा ईरान जो है वो दहशतगर्दी जमात को सपोर्ट कर रहा है, स्टॉप, इंडियन नेशनलिज्म खत्म हो जाती वहां पे। क्यों? कि टारगेट इज हमास, बिकॉज वो इसराइल पे टारगेट कर रही है, टारगेट इज नॉट ईरान। ईरान को नहीं कुछ कहना जो मेन फाइनेंसर है। मैं तो थोड़ा सा हैरान हो गया हूँ सुन के, हिंदुस्तान और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो कहता है कि जंग के सूरत में ईरान के जो बंदरगाह हैं वो इस हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकते। अगर ये ईरानियों ने कहा है कि हमारे साथ इंडिया आके कर लिए, फेक न्यूज़ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ हो कि ईरान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया गैर मजहब लोगों के साथ जाके प्रेफरेंस दे, ऐसा कुछ भी मामला नहीं लगता। ईरान इज अ वेरी सीरियस एंड मेजर प्लेयर इन द रीजन एंड इंडियंस कभी भी उसको नहीं छोड़ेंगे, कभी भी उसको नहीं छोड़ेंगे। सो द क्वेश्चन हियर इट इज, जो क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट और उनका जो मीडिया है, आप देखें खामोश बैठा हुआ है ईरान के ऊपर। हम क्यों हमेशा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को? यानी ये तो एक रियलिटी है ना कि हिंदुस्तान माशी तौर पर बहुत बड़ा मुल्क, ज्योग्राफिक तौर पे बड़ा मुल्क। एक तरफ हम ये कहते हैं, हमारी मीडिया या हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि इंडिया के रिलेशन मुसलमानों के साथ ठीक नहीं है, मुस्लिम कंट्री के साथ ठीक नहीं है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, सऊदीया, जो भी मुस्लिम कंट्री देख लें, उनके डील्स हो रही हैं इंडिया के साथ। पाकिस्तान के साथ उस तरीके से डील क्यों नहीं हो रही? अब रिसेंटली ईरान ने इंडिया, बट कैन इंडिया आस्क दैट ईरान शुड बी पुट इन अ ब्लैक लिस्ट जो कि ऑलरेडी है उसको? जय हिंद दोस्तों। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात किया। अब दोस्तों इतने में पाकिस्तानियों की हवा टाइट हो गई, आप लोग देख सकते हैं। ईरान 99% मुस्लिम आबादी वाला देश है, प्योर मुस्लिम देश है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से बात नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की गई इस युद्ध को लेकर, और मोदी जी ने भी जो बात की वो तो अभी गुप्त है, सामने नहीं आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की ये पूरी दुनिया में हाईलाइट बना हुआ है। पाकिस्तान मीडिया सुन रहे कि एक मुस्लिम देश हो के वो पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा, भारत से बात कर रहा है। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश होकर पाकिस्तान को बजा रहा है। सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम देश होकर पाकिस्तान को भीख देने से मना कर रहा है। कोई भी मुस्लिम देश इस समय पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर ही नहीं आ रहे, इवन तो बात तक करना नहीं चाह रहे, थूक रहे। अब दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्या? पाकिस्तान हमेशा दुनिया में इमेज पोर्ट्रे करवाता है भारत इस्लामिक देशों के खिलाफ है, भारत इस्लाम को हेट करता है। नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है भारत इस्लाम को हेट नहीं करता, क्योंकि भारत में खुद दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, भारत क्यों इस्लाम को हेट करेगा? दोस्तों भारत जिसको हेट करता है वो है दहशतगर्दों को, वो है आतंकवादियों को, वो है टेररिस्ट को, वो हमेशा भारत करता रहेगा हेट। अब तुम्हें अगर वो लगता है इस्लाम का हेट है तो तुम समझो, पूरी दुनिया तो नहीं समझेगी ना। के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात की है। दे आर गोइंग टू बी वेरी सॉफ्ट। मैंने आपको बताया ईरान की इंडिया में कोई बंदा बात नहीं कर रहा, क्यों? ईरान से एनर्जी चाहिए, ईरान इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, ईरान इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि वहाँ पे जितनी भी वेस्ट एशिया की जितनी भी इंडिया की पॉलिसीज है उसको उन्होंने अहमियत देनी है, फॉर चाबहार पोर्ट, कनेक्टिविटी विद रशिया, ठीक है जी, और टू बैलेंस द एंटायर मिडल ईस्ट दे नीडेड एन ईरान। एंड अगर तो आप FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जाएंगे और फाइनेंशियल, इंडिया कैन टेक कैनेडा टू FATF, बट कैन इंडिया आस्क दैट ईरान शुड बी पुट इन अ ब्लैक लिस्ट जो कि ऑलरेडी है उसको हम कर दें कि जी ये इसको ब्लैक लिस्ट करें, ये तो देखे जी हमास जैसी जमात को दहशतगर्दी करें। इंडिया कभी भी नहीं कहेगा, इंडिया हमास को कहेगा। ये देख रहे हैं द डिफरेंस, ये इंडियन नेशनलिज्म को मैं कह रहा हूँ कि किस तरह सरकार के साथ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अटैच हो जाते हैं। कतर के साथ बिल्कुल खामोशी, जिसनों पंजाबी साढ़े कहते हैं दंद तो दंद नहीं चुकना, ठीक है जी, हलाना नहीं, चुप कुछ ना बोलो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है जी, वो जिसे कहते हैं ना इंडियन गवर्नमेंट अपने ट्रैक जो है ना वो इस्तेमाल कर रही, गुड ऑफिसर्स इस्तेमाल कर रही है। अफगानिस्तान अपनी जगह का इशू तो है ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे ईरान से वो रिलेशन नहीं रहे, उसका एक सबब सऊदी अरब भी है, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन क्विक अगर पहला रिस्पांस मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह देखते हैं, माशाल्लाह आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है पूरी सिफारतकारी पर, ख़ासतौर पर इस खत्ते पर, हिलाली साहब। मैं तो थोड़ा सा हैरान हो गया हूँ सुन के कि इतने सारे बातें हुई हैं कि हिंदुस्तान और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो कहता है कि जंग के सूरत में
ईरान के जो बंदरगाह हैं वो इस हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है, ख़ास तौर पे चार बहार। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी, एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जंग के सूरत में वो दोनों करेंगे। ये तो उनके रिटर्न अग्रीमेंट्स हैं, ये तो उनके ये हैं। तो ये किसके साथ जंग होगा? जाहिर है हिंदुस्तान का तो जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगा ना, चीन के साथ जंग तो होगा तो चार बहार की ज़रूरत नहीं होगी उनको। तो मैं हैरान हूँ कि ये, हालांकि ये सब ये अग्रीमेंट्स हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम ख़ास तौर हमारी दोस्ती बढ़ेगी ये वो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी जासूस BLA टेररिस्ट ईरान के सॉइल पे ट्रेन करते हैं, उधर से क्रॉस करते हैं और बॉर्डर को आते हैं। स्मगलिंग तो बे इंतहा है, ख़ास तौर पेट्रोल का। वो रूट्स, वो रोड्स और वो पाथवेज जो इस्तेमाल होते हैं वो ईरान से शुरू होते हैं और आते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो अगर हम वो नहीं वो रोक सकते हैं, जाहिर है इसमें ह्यूमन स्मगलर्स हैं जो इंसानों को ले जाते हैं यूरोप के लिए, सब चीज़ रोक सकते हैं मगर नहीं रोकते हैं। ये फेक न्यूज़ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ हो कि ईरान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया गैर मज़हब लोगों के साथ जाके प्रेफरेंस दे, ऐसा कुछ भी मामला नहीं लगता ना, अभी हमारे सुनने में आया सुनने में नहीं आया। लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखें मैं अपने पास से तो नहीं कह सकता, आप इस पे मतलब किस बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है? ठीक है आपको नहीं मान, अच्छा मुस्लिम ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, ऐसे तो सऊदीया मुस्लिम ममालिक है ना, जी कंट्री है ना जी, तो वो इंडिया के साथ कर रहा है काम, बहुत से प्रोजेक्ट पे कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है एज अंदाजन कि अमरीकी वगैरह अगर इंडिया को दे तो वो उनके साथ समझ में भी आती है क्या कि करता है ईरान करे, समझ नहीं आता इसकी वजह क्या है, क्योंकि ईरान ने कभी इस तरह की इंडिया के साथ की नहीं। वो सब प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर एज कंपैरिजन तो आप पाकिस्तान और इंडिया को देखो तो पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इस चीज के तो मैं 100% गारंटी देता हूँ। इस चीज की आप 100% गारंटी देते हैं? आप मुझे हैरत हुई आपकी बात सुन के, क्योंकि अब दुनिया इतनी जदीद हो चुकी है, हर बंदे को पता है कि इंटरनेशनली लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ लोग ट्रेड कर रहे हैं, ईरान की बहुत ज्यादा पहले इससे पहले भी गैस के हवाले से, फ्यूल के हवाले से उनके साथ ट्रेड चल चुकी है, सऊदीया की चल रही है, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, और आप कह रहे हैं कि मैं मानता ही नहीं। मेरे फिर नॉलेज में नहीं है, ठीक है। बहुत साइड पे हम कहते हैं इंडिया इस्लामिक कंट्री का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, दूसरी तरफ जितने भी ईरान को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, सऊदीया को देख लें, सारे इंडिया के साथ डील कर रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो सभी, जब इमरान खान उनके साथ कुछ करना चाहता था तो सभी ये कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट उनके साथ मिला हुआ है, इंडिया के साथ मिला हुआ है। अभी आप रिसेंटली देख लें, शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई है जिसकी वजह से वो उसमें साफ कह रहे हैं इंडिया से ही मंगवा रहे हैं, कुछ पता नहीं वो कोई पावर प्लांट वो उनकी तरफ से मंगवा रहे हैं। तो सारी बात ये गलत चीज़ है, हमारी पाकिस्तानी अवाम को समझना चाहिए कि जो हमारे हक में बेहतर है, क्योंकि इंडिया जो है ना हमारे साथ कभी वो फेयर नहीं चल सकता, उनका कोई ना कोई मतलब होता है कि वो हमारे साथ किस तरह से, दुनिया चाली मतलब पे रही है, उनका मतलब है हम भी अपना मतलब करें, हम कौन सा कोई उधर कोई रिलेशन हमने कोई इस तरीके से करने है, अपने हर गिव एंड टेक का सारा कंसेप्ट है, हमें फायदा मिलेगा हम उनके साथ रिलेशन अच्छा रखें, ये तो मतलब नहीं है कि रिलेशन रखना ही नहीं चाहिए। नहीं रिलेशन रखना चाहिए लेकिन इस हद से नहीं, क्योंकि ना जब भी कोई उन पर अटैक हुआ है पाकिस्तान पर ब्लेम आया है, जब उनके पाकिस्तान पे आया, इंडिया पे जब भी कोई अटैक होता है जो भी उसमें मसला होता है उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व, तो जब पाकिस्तान में कोई अटैक होता है मोस्टली हम यही देखते हैं इंडिया पे हम ब्लेम करते हैं, ये तो दोनों साइडों की गेम है ना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भारत ईरान के रिलेशन पे पाकिस्तान किस तरीके से जला भुना हुआ है। अब दोस्तों भारत और ईरान रिलेशन को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत का एक मिलिट्री बेस कैंप भी है ईरान में, इतना ज्यादा भारत का सपोर्ट करता है ईरान। और दोस्तों ऐसे फ्री में नहीं करता, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि भारत एक उन देशों में से है जो ग्लोबली सैंक्शन लगाने के बाद भी ईरान से ट्रेड करता है, ईरान को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल सपोर्ट देता है तो उधर से मिलती भी है, ताली दोनों हाथ से बजती है ना, तो वो बज रही है। ईरान भी भारत की मदद कर रहा है तो भारत भी ईरान की मदद कर रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। जैसे ईरान और भारत के बीच ये भी समझौता हुआ है कि अगर दोनों में से किसी भी देश पे हमला होता है तो एक दूसरे की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे की मदद करेंगी, और भारत में जो मिलिट्री बेस कैंप है ईरान में जो मिलिट्री बेस कैंप है भारत का, वो भारत यूज कर सकता है। आई होप आप समझ रहे हो।
तो दोनों देशों के बीच जो मित्रता है वो बहुत प्रगाढ़ है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ये पाकिस्तानी और भारत के कुछ मुस्लिम लोगों में ये इमेज बैठा दी गई है कि भारत इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो भारत खिलाफ है वो दहशतगर्द के खिलाफ है। भारत हमास को कंडेम कर रहा है क्योंकि हमास के खिलाफ प्रॉपर सबूत मिले, उन्होंने अटैक किया। अब दोस्तों ईरान के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं मिले, ईरान ने तो जाके अटैक नहीं किया, तो उस पर कैसे भारत एक्शन ले ले। और हर चीज में सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट सामने आता है, भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट होगा वो भारत पहले रखेगा। अब यूएसए को ही देख लो आप लोग, यूएसए पहले पाकिस्तानी लॉबी में था, अब जो है भारत के साथ मित्रता करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट आता है। अगर ईरान के साथ हमारा नेशनल इंटरेस्ट है तो हम ईरान के साथ अपने रिश्ते क्यों खराब करें भाई, ये सब समझना पड़ता है दोस्तों। आई होप मेरी जो भी है आप लोग को वीडियो समझ आया हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, अपना फीडबैक जरूर दे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।